गुड मॉर्निंग एवरीबडी. स्टैंडर्ड 6 संस्कृत. अभी तक ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो संस्कृत लैंग्वेज में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी. उसका रीज़न है कि जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हो, बराबर है, तो हिंदी में जैसे लेटर्स है वैसे ही लेटर इसमें भी है, इसलिए पढ़ने में ये आसान हो जाएगी. तो संस्कृत में जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा और उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा. जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं बस वैसे ही इसको पढ़ना है, बराबर है. इसके लिए कोई अलग लेटर नहीं है, जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही हमारे को ये पढ़ना है, तो बराबर है. तो स्टैंडर्ड 6 में सबसे पहले हम वंदना से शुरुआत करेंगे. हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, बराबर है, और हमारे कार्य की शुरुआत करते हैं. वैसे ही जितने भी श्लोक्स हैं वो सब श्लोक्स ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते हैं, बराबर है. तो हम जितना संस्कृत पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है. सबसे पहला श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः. वापस से एक बार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः. ये श्लोक हम बहुत सी बार स्कूल में प्रेयर में पढ़ते ही हैं, बराबर है, और हम इसी श्लोक से हमारी शुरुआत करते हैं. तो वापस से एक बार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः. तो गुरु इज ब्रह्मा, इसका ट्रांसलेशन है गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, गुरु इज लॉर्ड महेश्वर मतलब शंकर भगवान, गुरु इज वेरीली द एब्सोल्यूट द सुप्रीम गॉड टू होम बॉ आई बॉ डाउन. वापिस से एक बार, गुरु इज ब्रह्मा गुरु इज विष्णु गुरु इज लॉर्ड महेश्वरा गुरु इज वेरीली द एब्सोल्यूट द सुप्रीम गॉड टू होम आई बॉ डाउन, बराबर है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो गुरु इज ब्रह्मा गुरु इज विष्णु गुरु इज लॉर्ड महेश्वरा गुरु इज वेरीली द एब्सोल्यूट द सुप्रीम गॉड ऑफ हुम आई बो डाउन. ओके, सेकंड नंबर है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. तो ये श्लोक भी आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा और सुना भी होगा इसको बहुत सारी जगह पर. जैसे हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये श्लोक पंडित जी अवश्य बोलते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. वापिस से एक बार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. तो विथ ए कर्वेड ट्रंक अ ग्रेट बॉडी शाइनिंग लाइक ए मिलियंस सन्स मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स ओ गॉड ऑलवेज रिमेन इन ऑल एक्शंस. विथ अ कर्वेड ट्रंक ए ग्रेट बॉडी शाइनिंग लाइक ए मिलियन सन्स मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स ऑफ गॉड ऑलवेज रिमेन इन ऑल एक्शंस, बराबर है. कोई भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो गणपति भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम काम करते हैं उसमें कोई भी बाधा कोई अड़चन रूप ना आए और हमारा काम शांति से समाप्त हो जाए, ये बात हम यहाँ पर करते हैं. थर्ड श्लोक है, नमस्ते सारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ
करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। वापिस से एक बार पढ़ता हूँ। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। इट मीन्स ओ गॉडेस शारदा हु होल्ड ए वीणा एंड ए बुक इन हर हैंड्स, आई बोव डाउन टू यू, आई एम बिगिनिंग टू गेन नॉलेज, प्लीज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस मी ऑलवेज। नमस्ते शारदे देवी विद्या पुस्तक धारिणी, विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। इट मीन्स है ओ गॉडेस शारदा हु होल्ड्स अ वीणा एंड ए बुक इन हर हैंड्स, आई बोव डाउन टू यू, आई एम बिगिनिंग टू गेन नॉलेज, प्लीज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस मी ऑलवेज। तो ये वंदना के जो श्लोक है वो नोटबुक में आपको लिखने हैं और उसका ट्रांसलेशन भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है।